तो मैं क्या चीज़ करूँ, मैं जिस भी चीज़ को टच करूँगी वो पैसों में बदल जाएगा, या मैं जिस भी डॉल को टच करूँगी वो जिंदा हो जाएगी। मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं पैसों का क्या करूँगी, और फॉस्टर केयर में तो मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, इसलिए मैं इसे चूज़ करूँगी। तो मैं कौन सी बार्बी को जिंदा करूँ? मैं इस बार्बी को जिंदा करना चाहती हूँ। हाय, मैं हूँ जिंदा हो जाने वाली बार्बी। हाय बार्बी, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? ऑफ कोर्स, तुम जो चाहो मैं वो बन सकती हूँ, और तुम मेरे बालों को ब्रश कर सकती हो और मुझे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती हो। कूल। और तुम इस रिमोट का यूज करके मुझे कंट्रोल भी कर सकती हो। मैं तुम्हें अपनी जैसी ब्राउन आइज देना चाहती हूँ। ओमिंकी, तुम किससे बात कर रही हो? ओह नो, वो कौन है? वो यहाँ पे रहने वाली मेरी जैसे एक और फॉस्टर गर्ल है, और वो डॉल्स के साथ बहुत गंदा बिहेव करती है, हमें तुम्हें छिपाना होगा, चलो मेरे साथ। मिंकी, तुम किससे बात कर रही हो? किसी से तो नहीं? हाय, मैं जिंदा हो जाने वाली बार्बी। ओह माय गॉड, बार्बी, मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत आना। सॉरी मिंकी, पर मुझे न्यू फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। ये रिमोट कैसा है, क्या ये इसे कंट्रोल करता है? हे, छोड़ो उसे। रुक जाओ, तुम उसे तोड़ दोगी। तुम कितनी अनोइंग हो, इसीलिए तुम्हें कोई अडॉप्ट नहीं करता। और वैसे भी मुझे तुम्हारे इस बेकार से रिमोट को यूज करने का कोई शौक नहीं है, और ये तो ठीक से काम भी नहीं करता। तुमने उसे मार दिया। ओके बाय मिंकी, तुम्हारी डेड बार्बी तुम्हें मुबारक हो। बार्बी प्लीज उठ जाओ। ओला स्वीट बार्बी, कमो स्टार्स। ओह नो, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें स्पैनिश मोड में रीसेट कर दिया है। एरस मेमी हो रहा मीगा। बार्बी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, मैं क्या करूं? बार्बी, मैं अपनी पावर्स का यूज करके केन को जिंदा कर सकती हूं, और फिर वो हमारी हेल्प कर सकता है। केन, आई रियली होप कि तुम्हें पता हो कि बार्बी का स्पैनिश मोड कैसे टर्न ऑफ करना है। हे बार्बी। ओला केन, क्या तुम्हें पता है कि ये स्पैनिश में बात क्यों कर रही है? मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया केन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वापस बार्बी को हिंदी मोड में कैसे रीसेट करूं। क्या मैं इसका रिमोट कंट्रोल देख सकता हूं? ओके, अब ये नॉर्मल हो जाएगी। ओहे बार्बी। हाय केन। वो हमें गो फॉर अ ड्राइव। श्योर केन। ओके विंकी, तो तुम बार्बी की कार एक्टिवेट करो। पर हम किसी को भी बता नहीं सकते हैं कि तुम दोनों डॉल्स हो। पर अगर कोई पूछेगा कि हम तुम्हारे कौन हैं, तो हम उनसे क्या बोलेंगे? अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि तुम लोग मेरे कौन हो, तो तुम उन लोगों से बोलना कि तुम मेरे पेरेंट्स हो। ओके। हमें बहुत धीरे बात करनी होगी ताकि हम यहाँ से चुपके से भाग सके, चलो। मुझे ये खरीद के देने के लिए थैंक्स बार्बी। मिंकी, तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। हे तुम, तुमने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। मिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंकी को धक्का देने की? पर तुम लोग हो कौन? हम उसके पेरेंट्स हैं। क्या मिंकी अडॉप्ट हो गई है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, और उसकी मदर की सारी जॉब में से वो एक पुलिस ऑफिसर भी है। और अगर तुम तुरंत इसी वक्त यहाँ से नहीं गई, तो हम तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। नो नो, आई एम सॉरी, उस पैसों को भूल जाओ। पिंकी, क्या तुम ठीक हो? मेरे हाथ में छोटी सी चोट आ गई है। जल्दी से उस रिमोट का टॉप बटन प्रेस करो। ओके। डॉक्टर बार्बी तुम्हारी हेल्प करने आ गई है। मिंकी, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मिंकी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बार्बी, केन, तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम लोग कुछ भी बन सकते हो। हाँ मिंकी। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे रियल मम्मी और डैडी बनो। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हें अडॉप्ट करें? हाँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मिंकी, हम कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ अगर तुम लोग मुझे अडॉप्ट नहीं करना चाहते हो। मैं वैसे भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि कोई मुझे अडॉप्ट करना चाहे। क्या मिंकी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि मुझे पता है मैं बाकी बच्चों के जैसे इतनी स्मार्ट और उनके जैसे इतनी क्यूट नहीं हूँ, और मुझे पता है इसी वजह से मुझे कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता। ओ मिंकी, तुम ऐसा मत सोचो, तुम बहुत स्मार्ट हो, और तुम बहुत ज्यादा क्यूट भी हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मिंकी, तुम जो ठान लो तुम वो कर सकती हो, और अगर कोई तुमसे कुछ और बोलता है तो उनकी बात बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तुम नहीं हो। और हमें तुम्हारे पेरेंट्स बनने में बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि तुम एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो मिंकी। राइट केन? यू राइट बार्बी। सच में? हाँ मिंकी, मुझे तुम्हारा डैड बनके बहुत खुशी होगी। बार्बी, केन, मैं बताना भूल गई थी कि मेरी पॉकेट में ये था, मेरी बटरफ्लाई। तो जैसा कि अब हम एक फैमिली है, तो क्या हम एक पेट रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वाओ, ये सब कितना अच्छा लग रहा है, मैं आज से ही हम सबके रहने के लिए एक बार्बी हाउस ढूंढना शुरू कर देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम एक फैमिली है, और मुझे पता है कि हम एक ग्रेट फैमिली बनेंगे। यस मिंकी, एंड फाइनली बार्बी और केन हमेशा हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। मेरा सर। बार्बी, केन, तुम लोगों को क्या हो रहा है? क्या तुम लोग ठीक हो? मुझे नहीं पता, अचानक से हमें बहुत अजीब फील हो रहा है। ओह नो, मेरी पावर्स खत्म हो रही है। ओह नो, अब तुम लोग वापस डॉल्स में बदल जाओगे। तो मिंकी, हमारे पास कितना टाइम बाकी है? वन मिनट,
प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मिंकी हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बन सकते पर हम हमेशा तुम्हारे डॉल्स बन के रहेंगे। हाँ मिंकी, और देखना तुम बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाओगी। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, हम तुमसे वादा करते हैं। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। हम हमेशा साथ रहेंगे और तुम जहाँ जाओगी हमें साथ ले जा सकती हो। बारबी हमारी आँखें, हमारी आईज मेल्ट हो रही है। बारबी तुम्हारी आईज मेल्ट नहीं हो रही है, तुम लोग रो रहे हो। ओह टाइम खत्म हो चुका है अब तुम लोग। मिंकी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुमसे फिर कभी जरूर मिलेंगे मिंकी। बारबी अगेन। गाइस वो देखो हमारे ऑर्फनेज की रोतड़ू। अब तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए? हाँ वो ठीक है, वो घर पर है, तो तुम लोगों के लिए बेटर यही होगा कि तुम लोग मुझे परेशान मत करो वरना मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी अपने पेरेंट्स से। नहीं नहीं मिंकी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हाँ। आखिर तुम पूरा दिन कहाँ गायब थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आई एम सॉरी, मैं बस बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। वो तो तुम लकी हो कि कोई तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। क्या मैं अडॉप्ट होने वाली हूँ? हाँ फाइनली। तुम लोग ठीक थे क्या? कौन ठीक था? कोई नहीं। बारबी तुम लोगों ने सुना? मिंकी मिलो अपने न्यू पेरेंट्स से। हाय। हेलो। चलो बेटा अब हम अपने घर चलते हैं। क्या मैं अपने डॉल्स को अपने साथ ले चल सकती हूँ? हाँ बेटा तुम इन्हें अपने साथ बिल्कुल ले चल सकती हो, अब ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। तो मैं क्या चूज करूँ, एक रोबोट या एक क्वीन? पर मैं एक रोबोट नहीं बनना चाहती, और वैसे भी क्वीन बनना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ऐसे मैं लोगों से जो मन वो करवा सकती हूँ। हाँ मैंने तो क्वीन बनने को चूज किया था, तो मेरा क्राउन कहाँ है? क्या उल्टे कपड़े पहन लूं? पर क्वीन तो मैं हूँ, तो ये मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है? मिंकी अगर तुम क्वीन बनना चाहती हो तो तुम्हें जो टास्क मिलेंगे तुम्हें उन सबको कंप्लीट करना होगा। पर मम्मी मैं उल्टे कपड़े नहीं पहन सकती, स्कूल में सब मुझ पर कितना हंसेंगे। मिंकी तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा वरना तुम्हें रोबोट चूज करना चाहिए था। ठीक है मम्मी। फिर भगवान प्लीज मुझे एक दिन के लिए इनविजिबल कर दो ताकि कोई मुझे इस तरह से नोटिस। मिंकी तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहने हैं? मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे क्वीन बनना है। ओ माय गॉड मिंकी तुम्हें मेरी तरह रोबोट चूज करना चाहिए था। क्या मुझे प्रिंस को खुद से प्यार करवाना है? पर ये तो कितना मुश्किल है। ओ कम ऑन मिंकी, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। कैसे, मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ। रिया क्या तुम्हें पता है कि पैलेस कहाँ है? क्यों क्या हुआ? क्योंकि मुझे प्रिंस से मिलना है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ जाओगी और प्रिंस तुमसे मिलने के लिए पैलेस से बाहर आ जाएंगे? फिर मैं प्रिंस को खुद से कैसे प्यार करवाऊंगी? एक काम करो तुम उन्हें एक लव लेटर भेज दो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। रिया क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंस को मेरा लेटर मिला होगा? ये मुझे कैसे पता होगा? मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है कि प्रिंस मुझे पसंद करने लगे हैं। हाँ पर ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। स्टूडेंट्स आज तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट है। क्या सरप्राइज टेस्ट? पर मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। तुम सबके पास सिर्फ आधा घंटा है, जल्दी से इसे कंप्लीट करो। ओके सर। आई होप मुझे पूरी क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर मिले। मिंकी तुम्हें 20 मार्क्स मिले हैं। पर सर ये कितने कम मार्क्स हैं, प्लीज मेरा रीटेस्ट ले लीजिए। वेल मिंकी तुम्हें पूरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं क्योंकि सारे बच्चों को 0 मार्क्स मिले हैं। हाँ यस मेरे 3 टास्क कंप्लीट हो गए। गाइस मैंने सुना है कि 4th टास्क सबसे हार्डेस्ट होता है। क्या सच में? हाँ और हारने वाले की जान भी जा सकती है। क्या? चलो देखते हैं कि मेरा लास्ट टास्क क्या होता है। आई होप ये ज्यादा हार्ड ना हो। अगर पार्ट 3 देखने है तो जल्दी से मुझे कॉमेंट में बताओ।